अब देखिए यूपी तक लाइव 24/7। यूपी की राजनीति की बाहुबली विधायकों की लिस्ट बनाए और उसमें प्रतापगढ़ वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन राजा भैया के साथ पिछले दिनों परिवार में जो घटनाएं घटी उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज चलने लगी कि अब राजा भैया के परिवार का क्या होगा। तो भैया बात राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच होने वाले तलाक तक आ गई है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और भानवी सिंह के बीच तलाक के मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सोमवार को अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल के अपडेट के मुताबिक कोर्ट के न्यायाधीश की छुट्टी पर होने के कारण ये सुनवाई आज नहीं हो सकी। लेकिन कोर्ट ने भानवी सिंह को एक समन जारी करते हुए न्यायालय के सामने पेश होने या फिर अपने वकील को भेजने के लिए कह दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से जनसत्ता पार्टी के विधायक रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी कुमारी का पारिवारिक और वैवाहिक विवाद अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। रघुराज प्रताप सिंह और भानवी सिंह के बीच तलाक के मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सोमवार को अब अहम सुनवाई है। इतना ही नहीं, तलाक के पहले हाल ही में भानवी सिंह और राजा भैया के छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह के बीच एक सियासी मसला देखा गया था। तब इस मामले में राजा भैया ने अपने भाई का पक्ष लिया था, जिसके बाद पत्नी भानवी सिंह की नाराजगी ऐसी बढ़ी कि बात अब तलाक तक आ गई। फिलहाल दिल्ली की साकेत कोर्ट राजा भैया और उनकी पत्नी के विवाह विच्छेदन यानी कि तलाक के मुकदमे पर सोमवार को सुनवाई करेगा। दक्षिणी दिल्ली की जिला अदालत साकेत कोर्ट में पिछले महीने राजा भैया की पत्नी भानवी ने जोरबाग थाने में एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उस FIR में उन्होंने MLC अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। भानवी सिंह ने FIR में धारा 420, 467, 468, 471, 109 और 120B के तहत MLC अक्षय प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर राजा भैया ने अक्षय प्रताप का समर्थन करते हुए खुद को भाई के साथ खड़ा बताया था। मामला 19 नवंबर 2022 को दर्ज किया गया था। इसी बीच राजा भैया ने तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी थी। आखिरकार ये मामला साकेत कोर्ट में आया और अब कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि दोनों की शादी 1995 में हुई थी। इस मामले में राजा भैया और पत्नी भानवी के घर में झगड़ा और कलह करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने उनके छोटे भाई अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी के खिलाफ EOW में वित्तीय अनियमितता को लेकर केस दर्ज करवाया था। लेकिन आखिरकार कौन है भानवी सिंह? बता दें कि भानवी सिंह का ताल्लुक बस्ती राजघराने से है। भानवी सिंह का जन्म 10 जुलाई 1974 में बस्ती राजघराने में हुआ था। भानवी बस्ती राजा के छोटे पुत्र कुंवर रवि प्रताप की बेटी है। भानवी सिंह की शादी प्रतापगढ़ के राजपूत भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के साथ 1995 में हुई थी। राजा भैया और भानवी सिंह के दो बेटे हैं, जिनका नाम शिवराज और ब्रजराज है, और दो बेटियां हैं जिनका नाम राघवी और ब्रजेश्वरी है। वहीं पिछले कुछ सालों से भानवी और राजा भैया अलग अलग रह रहे हैं। ये जानकारी हमें भेजी थी हमारे सहयोगी संजय शर्मा ने। अब यूपी तक से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।